Hello students, welcome in biology class. I hope you all are fine and doing well. Students, कल की वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था एल्गी का, जिसमें हमने थ्री डिवीजन्स देखी थी, दैट इज़ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी. इनके हमने कॉमन नेम समझे थे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी. साथ ही हमने इसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है, इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में जाना था और एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में समझा था. इसके बाद मैंने आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ब्रायोफाइट्स में हमारे लिवरवर्ट्स और मॉसेस आते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे. लिवरवर्ट्स में हमारे पास रिक्शिया और मार्केंशिया, ये दो एग्जांपल्स आते हैं, और मॉसेस में हमारे पास फ्यूनेरिया और स्फैग्नम आता है. आज की वीडियो में हम लिवरवर्ट्स को समझेंगे कि लिवरवर्ट्स क्या होते हैं. लिवरवर्ट्स ग्रो करते हैं यूजुअली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज. ओके, और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, दैट इज दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. दे मे पजेस, यानी उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं. ओके, तो उसमें उनका थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है. एंड द थैलस इज कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट से. और जो लीफी मेंबर्स होते हैं, इनमें टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं दो रोज में ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में मोस्टली फ्रैगमेंटेशन से होता है, जो इसका थैलस होता है, जब इसका फ्रैगमेंटेशन होता है, दिस इज द थैलस. और इसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम गैमा बोलते हैं. ये जो आप देख रहे हो, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम गैमा बोलते हैं. एक्चुअली ये गैमा क्या होते हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्शुअल बर्ड्स होती हैं, जो डेवलप होती हैं स्मॉल रिसेप्टिकल से. दिस इज़ द रिसेप्टिकल, ये यहाँ से डेवलप होती हैं. ओके, और इसीलिए हम इनको गैमा कप बोलते हैं, और ये थैलाई में ही लोकेट होते हैं. ये गैमा जब डिटैच होते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से, उसके बाद ये जर्मिनेट हो करके क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं ऐसा. ठीक है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं डॉर्सली आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई. स्पोरोफाइट इसमें कॉम्पैक्ट होता है, सीटा आपका शॉर्ट भी होता है, एब्सेंट भी हो सकता है, और कैप्सूल सिंगल लेयर वॉल का होता है. एंड आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या होता है, स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और एक लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं. ठीक है, तो ये आपके लिवरवर्ट्स थे, जिसमें हमने मार्केंशिया के बारे में आपको बताया. इसमें एग्जांपल रिक्शिया और मार्केंशिया, ये दोनों ही लिवरवर्ट के एग्जांपल हैं. लिवरवर्ट को आप हेपेटिस सी का बोलते हो, ठीक है, हेपेटिस सी, ये लिवरवर्ट्स कहलाते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे मॉसेस, जिन्हें हम मस्कैबी बोलते हैं.
और ये जो मॉसेस होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था हमारे दो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो फिनेरिया और दूसरा आपका ये स्फैग्नम। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, मॉसेस में आपका जो कैप्सूल है, बॉडी डिफरेंशिएट होती है फुट सीटा कैप्सूल में, तो कैप्सूल आपका स्टॉक, ठीक है, और ये राइजोइड्स। कैप्सूल, स्टॉक, लीफ लाइक पार्ट्स, इतना पार्ट आपका स्पोरोफाइट कहलाता है, और बाकी का जो पार्ट होता है वो आपका गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके मॉसेस होते हैं, और इसमें हमारे पास मॉसेस में दो स्टेज होती हैं, मतलब एक स्टेज कहलाती है प्रोटीनिमा स्टेज और दूसरी स्टेज लीफ स्टेज कहलाती है। ठीक है, एंड मॉसेस में आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है और बडिंग से होता है, और जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, ठीक है, उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो आपके सेक्स ऑर्गन हैं यानी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एपिक्स पे, जो कि लीफी आपकी शूट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपका जो कैप्सूल होता है, ये जो कैप्सूल होता है इसमें आपके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब मियोसिस होती है। तो मॉसिस में यहाँ पर आपका एक बहुत ही इलेबरेट मैकेनिज्म होता है, यानी स्पोर्स का डिस्पर्जल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉसिस। कैप्सूल में स्पोर्स जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं बाई मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस से इसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट आपका स्फैग्नम है, यहाँ भी आप देख सकते हो इसमें ब्रांचेस हैं आपकी, ये स्टेम लीफ है, एग्जैक्ट स्टेम नहीं होती, ठीक है, सिर्फ ऐसे स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द कैप्सूल, कैपिटुलम है ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्पोरोफाइट होता है, ये आपके पोर्स होते हैं, एम्प्टी हेलाइन सेल्स हैं, ग्रीन क्लोरोफाइलोस सेल्स प्रेजेंट, दिस इज़ फेब्रिल, और ये ब्रांच लीव सेल्स हैं, ये इसी तरीके से इसमें ब्रांचेस स्प्रेड होती हैं, दिस इज़ स्फैग्नम। अब इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ स्पोर बियरिंग डिप्लॉयड जनरेशन, यानी ये कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है जिसमें ऑल्टरनेशन होता है जो स्पोर बियरिंग डिप्लॉयड जनरेशन यानी स्पोरोफाइट होता है उसका, और जो गैमीट बियरिंग हैप्लॉयड जनरेशन का होता है यानी गैमिटोफाइट का। यानी ऑल्टर मीन्स चेंज, यानी चेंज किसका हो रहा है, गैमिटोफाइट का चेंज हो रहा है और स्पोरोफाइट का चेंज होता है इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ प्लांट, प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में। ब्रायोफाइट्स में जो हैप्लॉयड गैमिटोफाइट होता है उसमें जनरेशन कैसी होती है, डोमिनेंट, और ये प्रोड्यूस करते हैं गैमिट्स जो फ्यूज़ होते हैं और फॉर्म करते हैं एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट अटैच होते हैं, फिर ये डिपेंड
होते हैं गैमिटोफाइट पे। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फॉर्म करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। नाउ अब एक मॉइस्ट सरफेस पे पहुंचने के बाद स्पोर जर्मिनेट होता है और फिर एक गैमिटोफाइट राइज होता है। नाउ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये जो अभी आपने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है? देखिए, मॉसेस लाइकेंस के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स को, डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को और सबस्ट्रेट बनाते हैं जो कि बहुत सूटेबल होता है हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। एंड सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे कि मॉसेस डेंस प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं सॉइल में, तो ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। एंड सम मॉसेस प्रोवाइड फूड, कुछ मॉसेस क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बिवोर मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और जो स्पीसीज होती हैं स्फैग्नम की, वो प्रोवाइड करती हैं पीट दैट हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। ये पीट जो अभी आपने यहाँ देखा, जो आपको स्पीसीज स्फैग्नम की जो होती है उससे प्रोवाइड होता है, ये पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है, जो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें हाई कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। नाउ I will tell you the graphic representation, or you can say the graphic outline. देखिए, graphic outline को समझने के लिए ये बहुत ही easy है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक gametophyte होता है, यानी जो आपकी main plant body है, और जैसे कि आपको पता है इससे हमारे दो सेक्स ऑर्गन रिलीज होते हैं, मेल और फीमेल, यानी एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, तो उससे मेल गैमिट बनेगा, एंथ्रीजॉइट। आर्चिगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उससे क्या बनेगा, फीमेल गैमिट, दैट इज़ एग। अब फर्टिलाइजेशन होगा, देन इट विल फॉर्म जाइगोट, इसका जर्मिनेशन होगा। यहाँ पर एक रिडक्शन डिवीज़न होगी मियोसिस की, जिससे कि स्पोरोफाइट फॉर्म होगा और इससे फिर कैप्सूल फॉर्म होगा। देन आफ्टर द रिडक्शन डिवीज़न फिर से स्पोर्स फॉर्म होंगे जब मियोसिस होगी। इन स्पोर्स का जब जर्मिनेशन होगा, देन द गैमिटोफाइट दैट इज़ द मेन प्लांट बॉडी फॉर्म। So this is the graphic outline of the life cycle of the bryophyte. ये bryophytes की क्या है, life cycle है, किस तरीके से bryophytes में formation होती है। और ये दो phases में होता है, that is इसमें दो phases कौन सी होती हैं, एक आपकी gametophytic और एक आपकी sporophytic generation होती है। Okay students, I hope now you will understand about the detailed information of the bryophytes. Okay, that's all for today in this video. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.